हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को फास्टर एंड फास्टर और मोर एंड मोर इन दो एक्सप्रेशंस का यूजेस बताऊंगा। फास्टर एंड फास्टर, मोर एंड मोर, ये इस्तेमाल होते हैं ये डिपिक्ट करने के लिए कि कुछ जो कोई चीज़ है वो इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी में और होती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है। चाहे आप उसकी स्पीड की बात करें, चाहे आप उसकी इंटेंसिटी की बात करें, वो बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल देता हूँ, द स्टोन इज रोलिंग फास्टर एंड फास्टर डाउन द हिल, यानी कि वो जो पत्थर है वो तेज़ी, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वो डाउन द हिल आ रहा है। इसी तरह मैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल देता हूँ, मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग द कंट्री, यानी कि लोगों की मुल्क से जाने की जो आप जो उसका फिनोमिनन है वो बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं, द क्राउड आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, यानी क्राउड की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। तो फास्टर एंड फास्टर, मोर एंड मोर, जो चीज बढ़ती जा रही हो और टाइम के साथ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू।